देख सकते हैं ये नाला है, कहीं ना कहीं अगर उसपे ऊपर स्लैब भी नहीं है, लोग आ जा रहे हैं और पानी समझ के इसी तरह रोड पे जिस तरह से पानी लगा है, ऊपर भी पानी लगा है, अगर उसमें किसी का पैर चला जाएगा तो 10 फीट के नाले में उस आदमी के साथ कोई घटना दुर्घटना, बड़ी घटना और दुर्घटना भी हो सकती है। ये इलाके, ये नाले की स्थिति है, जो साफ सफाई के दावे किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, ये दावे सच्चाई बता रहे हैं कि क्या स्थिति, किस तरह से जमीन पे कार्य किया जाता है और किस तरह से हवाई। विजय चौक पे है, गोरखपुर के शहर का सबसे रिसा एरिया इसी इलाका, विजय पिक्चर पैलेस सामने देख रहे हैं और चौधरी स्वीट सामने है। शहर के सबसे रिहायशी इलाके में हम मौजूद हैं और सुबह लगभग 4 से 5 घंटे की बारिश हुई है, 4-5 घंटे हो चुके बारिश बंद हुए, लेकिन शहर की स्थिति है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है परमानेंट, लगभग 11 बजे रात तक पूरी रात चलने वाले रोडों में से एक है शहर के। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से लोग घुटने भर के करीब पानी में आना जाना पड़ रहा है, यही शहर की तैयारी थी, अधिकारियों की तैयारियां थी और शहर की स्थिति थी। जल जमाव पे जो दावे किए जा रहे थे वो कितने हवाई साबित हो रहे हैं। इस बार मानसून की बारिश नहीं हुई, लेकिन अंतिम समय में 5 घंटे की बारिश ने 5 साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जल जमाव शहर के बीच में देखने को मिलता है? सर अभी देखिए सुबह रात कल शाम से ही बारिश काफ़ी ज़्यादा ही बारिश हुआ, और सुबह टाइम आते समय जो है यहाँ पूरा एकदम पूरा कमर यहाँ तक पानी था, और पूरा गाड़ी यहाँ बंद हो जाती थी, मारुति कार बाइक वाले पूरा बहुत दिक्कत होता था, कितने बाइकें जो है ख़राब हो गई और पैदल चलने वालों पैदल यात्रियों को बहुत दिक्कत हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो सवाल ये नहीं है कि ये जल जमाव है, सवाल ये है कि जो लगातार दावे किए जाते हैं, जो 5 साल से नालों का कार्य चल रहा है, शहर को जल जमाव से निजात दिलाने की बात कही जाती है, वो कितनी सच्चाई इसमें देखने को मिल रही है? शहर के रिहायशी इलाकों में इस तरह के चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ से 8 से 10 बजे 11 बजे रात तक लोगों का आना जाना लगा। आप यहीं रहने वाले हैं जी? इस तरह से जल जमाव शहर में लगातार दावे किए जाते हैं, नाले बन रहे हैं, सफाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, इसका सुधार करवाएं। सुधार तो लगभग कई सालों से देखने को मिल रहा है, हर बार सुधार हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, बस हवा हवाई बस बातें हैं। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे जिनका साफ कहना है कि ये सुधार नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें होती हैं, जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं हवा हवाई साबित हो रहे हैं। तो ये शहर की स्थिति है, आपको बता दें कि हम इसमें विजय चौक पे चौधरी स्वीट, जो शहर का एक नामी गिरामी प्रतिष्ठान है और लंबे समय से कार्यरत है, उसके सामने ये चीजें देखने को मिल रही है, जो शहर में शहर का सबसे रिहायशी इलाका है, शहर के बीचों बीच में हम खड़े हैं और देख सकते हैं आप किस तरह से लगभग घुटने के नीचे तक पानी है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो नगर निगम के दावे होते हैं, जो नगर निगम हर साल सफाई की व्यवस्था, नाले के रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था करता है, वो कितने सही साबित होते हैं, अधिकारियों के द्वारा जो कहे जाते हैं वो कितने सही साबित होते हैं, किस तरह से हवा हवाई दिशा निर्देश दिया जाता है, हवा हवाई बातें की जाती है, लेकिन जब बारिश 4 से 5 घंटे की हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं पोल खोल देते हैं। लगातार इस बार देखा जाए तो बारिश के मौसम शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि शहर पानी में डूबना नहीं चाहिए, उन लोगों का सीधा कहना था कि पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन पिछले बार जिस तरह से जल जमाव, हालांकि बारिश लंबे समय तक हुई थी, कई महीनों तक जल जमाव था, लेकिन ये 2 से 4 घंटे की बारिश ये बता रही है कि कितना वर्क जमीन पे किया जाता है और कितना वर्क कागजों में किया जाता है। हालांकि इस तरह से अगर मुख्यमंत्री के जिले में ये रवैया है तो अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी। हालांकि जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, GDA द्वारा 2021 की महायोजना तैयार की जा रही है, डेवलपमेंट की तो बात हो रही है, लेकिन धरातल पर कितना देखने को मिल रहा है, क्या सच्चाई है, जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें कितनी 100% अधिकारी और कर्मचारी उस पर खड़े उतर रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं वो कितने कार्यरत हो रही हैं, कितने कम समय में जो दावे किए जाते हैं वो कितना कार्य कर रहा है, ये जल जमाव बता रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आला लोगों का आने जाने का तांता, आने जाने वाले लोगों का लाइन लगी हुई है, लोग पानी में आ जा रहे, लगभग 4 से 5 घंटे की बारिश खत्म हो चुकी है, 5 घंटे पहले बारिश खत्म हो गई थी, लेकिन इस तरह की स्थिति यहाँ 20 शहर में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बता ये देखना है कि जहाँ नगर निगम की वर्कर हमेशा कार्य करते हैं, हमेशा 12 महीना जिनको वर्क करने की जिम्मेदारी शहरों में होती है, वो 5 घंटे 4 घंटे की बारिश, ये नाले बता रहे हैं कि कितना सफाई किया गया है, कितना कार्य किया गया है। जो नालों की स्थिति है, लगातार 5 सालों से नाले पर जो योजना चल रही है, परियोजना चली, ये नाला है, देख सकते बगल में नाला है और नाले के ऊपर जो है पानी फ्लो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो नाले हैं पूरी तरह से चोक हो गए। कैमरामैन से हम कहेंगे ये नाले की स्थिति है, जरा नजदीक से दिखाएं, आप देख सकते हैं ये नाला है, कहीं ना कहीं अगर उसमें
ऊपर स्लैब भी नहीं है, लोग आ जा रहे हैं और पानी समझ के इसी तरह रोड पे जिस तरह से पानी लगा है ऊपर भी पानी लगा है, अगर उसमें किसी का पैर चला जाएगा तो 10 फीट के नाले में उस आदमी के साथ कोई घटना दुर्घटना बड़ी घटना और दुर्घटना भी हो सकती है। ये इलाके ये नाले की स्थिति है, जो साफ सफाई के दावे किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, ये दावे सच्चाई बता रहे हैं कि क्या स्थिति, किस तरह से जमीन पे कार्य किया जाता है और किस तरह से हवा हवाई बातें की जाती है। आप यहीं रहने वाले हैं? तो ये कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे, हम बात करने का प्रयास किए, तो ये सच्चाई है किस तरह से नगर निगम के दावे किए जाते हैं, वो कहाँ तक सही साबित होती है। गोरखपुर लाइव के लिए संदीप त्रिपाठी।